वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तैयारी के बारे में बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, सभी 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे। वहीं पीसीसी चीफ ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ में दौरे को लेकर बोला कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब भाजपा के लीडर दिल्ली से आते हैं, मुझे यकीन है कि जनता से वो झूठे वादे नहीं करेंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रेलवे भी सबसे बड़ा इशू है कि छत्तीसगढ़ की जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। लगातार ट्रेनें बंद होती रही, लगातार ट्रेनें कैंसिल होती रही और भारतीय जनता पार्टी इसमें मुख्य दर्शक बन के राज्य और केंद्र सरकार दोनों चुपचाप देखती रही। लेकिन इन मुद्दों को लेकर हम जहां जहां भी रेलवे की सुविधाएं हैं, जहां यात्रियों को तकलीफ हुई है, इन मुद्दों को भी वहां पे हम लोग जबरदस्त तरीके से उठाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते हम लोग पूरे संगठन को मजबूती दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मजबूती दे रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर प्रयास किया भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल नहीं होगी।